उसकी वजह यह थी कि लता अपनी जगह सही थी बिल्कुल। देखिए लता की बात सुन लेते ना तो आज हम सबको रॉयल्टी मिलती। लता जी ने बोला हमको रॉयल्टी मिलनी चाहिए सिंगर्स को, प्ले उस एसोसिएशन था प्लेबैक सिंगर का। तो रफ़ी साहब को जितने प्रोड्यूसर थे पंजाबी, रफ़ी साहब भी पंजाबी थे, सबने उनको चढ़ा दिया, तुसी अनुमा कहो जी कहो जो मिल गया रिकॉर्डिंग में हो गया बस। वो ठीक है ठीक है। तो बोले जी हमको जो रिकॉर्डिंग में मिल गया वही बाकी गाने बचते हैं उससे हमको कुछ मतलब नहीं है। तो लता जी ने बोला नहीं ऐसा नहीं चलेगा, रॉयल्टी हमको चाहिए। तो दोनों का झगड़ा हुआ तो दोनों आपस में लड़ पड़े। इस वजह से उन्होंने आपस में कितने साल कुछ गाया नहीं। तो इस वजह से महेंद्र कपूर को चांस ज़्यादा मिलने लग गया, सुमन कल्याणपुर को ज़्यादा गाने मिलने लग गए। तो फिर जयकिशन ने इन दोनों को फिर से मिलाया, शंकर जयकिशन, फिर लोग गाने लगे। लेकिन आज क्या हुआ कि लता जी आज भी रॉयल्टी लेती हैं, आज तो गाती नहीं है लेकिन जब तक तो गाती रही रॉयल्टी उनका एग्रीमेंट तो बनता ही था। आज हमको रॉयल्टी मिलती तो हम भी बड़े खुश होते कि हमारे गाने यहाँ वहाँ चल रहे हैं तो घर बैठे हमको पैसे आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं ना वो सिंगर्स के लिए मुश्किल हो गई, इसलिए झगड़ा हुआ था। मेरा गाना है ना मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत मतलब बिजनेस, और तिजारत अब मोहब्बत बन गई है। तो ये मोहब्बत भी अब तिजारत ही है, देखभाल के शादी होती है कि कितना है इसके पास कितना है, तब जाके दिल मिलते हैं। देखो आज की जो फिल्में हैं आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, वाइफ के साथ देख सकते हैं, बच्चे हों साथ में तो आपको बिल्कुल शर्म आएगी ये क्या हो रहा है। तो अभी देखिए ये पिक्चर आई थी संजय लीला बंसाली की, क्या नाम था पिक्चर का, वो रामलीला, उसमें देखिए छूटते ही वो लोग लिपटना चिपटना शुरू कर देते हैं। और पता नहीं इसको ए सर्टिफिकेट मिला है कि यू सर्टिफिकेट मिला है क्या मिला है, लेकिन बच्चे तो देख ही रहे ना। अभी ये लोग जा रहे हैं वेस्टर्न की तरफ, जो अमेरिकन कर रहे हैं वो ये लोग कर रहे हैं। अमेरिका में बोलते पैकअप, ये लोग भी बोलते पैकअप, स्टार्ट साउंड एक्शन यहाँ भी बोलते हैं। तो कॉपी तो वहीं से हुआ है ना, बिल्कुल नेसेसरी, क्योंकि दिमाग नहीं है ना, दिमाग भी आइडिया भी चुराने की जरूरत है, खुद का कुछ नहीं है। आज़ाद हुआ कहाँ है, अंग्रेजों से छूट के तो जितने पापी लोग हैं उनके हाथ में आ गया है, जो हमको लूट रहे हैं, खामखा का जो टैक्स लगा रहे हैं, सर्विस टैक्स लगा रहे हैं, ये टैक्स है वो टैक्स है, ये मत खाओ तो वो मत खाओ, तो ये सब क्या है, डिक्टेटरशिप है। अंग्रेज तो फिर भी अच्छे थे, आज़ादी थी उनके ज़माने में। नहीं मैं तो ये कहूँगा जो मैंने गलती नहीं की, क्योंकि मेरी आवाज़ कुदरती मिलती थी, कोई किसी को कॉपी ना करें, अपनी ओरिजिनल आवाज़ से आए और बकायदा ट्रेनिंग लेके आए, अपने आप को सुने समझें कि मैं काबिल हूँ या नहीं। ऐसे नहीं कि सब लोग जा रहे हैं चलो हम भी चलते हैं, ऐसा ना करें, अपने आप को देखें सीखें समझें उसके बाद इस लाइन में कदम रखें। मेरा बहुत बहुत सलाम, मैं अनवर फिल्म प्लेबैक सिंगर जिसके गाने आपने सुने हैं और पसंद भी किए हैं।